दोस्तों, मैं आपकी होस्ट सुषमा आज आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाली रेसिपी शेयर करेंगे, वो है मिक्स वेज तहरी। विंटर्स में बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं जिन्हें खाने में यूज करके हम बहुत सारी हेल्दी डिशेस बना सकते हैं, लेकिन लाइट और क्विक डिश कभी कभी बनाने का मन करता है जो हेल्दी भी हो। तो फिर आज हम बनाएंगे मिक्स वेज तहरी, जो जल्दी बनती भी है और हेल्दी और टेस्टी भी होती है। ये बेसिकली हमारी यूपी की डिश है जो अब हर जगह पसंद की जाती है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। देखिए, इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये 5-6 तरीके की सब्जियां हैं। ये मैंने गोभी के फूल काट लिए हैं, ये थोड़ी एक शिमला मिर्च है, मटर है एक बोल कटे हुए आलू हैं जो एक मीडियम साइज का आलू है, एक बोल कटी हुई गाजर है, प्याज और टमाटर, और इसी बोल से नाप करके मैंने एक बोल ये चावल लिया है जिसको धो के रख लिया है। ये दो लोगों के लिए पर्याप्त है। तहरी की तैयारी हम कर रहे हैं, हमने कुकर चढ़ा लिया है गैस जलाकर। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल हम यहाँ पर सरसों का यूज कर रहे हैं, सरसों का तेल हम डालेंगे यहाँ पर 3 टेबल स्पून। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्जी से घी या रिफाइंड ऑयल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ये तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी हरी इलायची हैं और 2 लौंग और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। साथ ही हम डालेंगे ये 1/2 चम्मच जीरा, ये 1 छोटी चम्मच जिंजर और गार्लिक का फ्रेश हुआ मटेरियल है। ये हल्का सा भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज जो मैंने काट के रखा था, इसको भूनेंगे थोड़ा सा। ये देखिए प्याज मेरा अच्छे से भुन गया है। अब हम इनसे सबसे पहले डालेंगे गोभी, क्योंकि गोभी को थोड़ा पकने में टाइम लगता है। अब डालेंगे गाजर, वो मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिए। ये देखिए दोनों चीज़ें भुन गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मटर, एक बोल ली है, 1 मीडियम आलू है, और सबसे आखिर में डालेंगे शिमला मिर्च क्योंकि सबसे जल्दी पक जाती है। इसको अच्छे से चला लेंगे और अब हम डालेंगे इसमें मसाले। मसाले डालने से पहले मैंने एक टमाटर जो काट के रखा तो वो भी डाल देंगे। अब हम डालेंगे मसाले, इसमें 1 बड़ी चम्मच भर के हल्दी है, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 चम्मच। और हमारी सब्जियां बढ़िया से भुन गई हैं। अब हम इसमें जो हमने एक बोल चावल भिगो के रखा था 1/2 घंटा पहले, उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। अब देखिए हमारी सब्जियां और चावल अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें फिनिशिंग के लिए डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। मैंने एक बोल चावल लिया था, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं तो इसमें नाप के हम केवल 1/4 बोल पानी डालेंगे। अगर हम इसे खुले में बनाएं तो यहाँ पर 2 बोल पानी डालें। देखिए मैं 1/4 बोल डाल रही हूँ। अब हमारी तहरी तैयार हो रही है, इसमें बस थोड़ा सा हरा धनिया और डालेंगे और हम ढक्कन लगाकर 2 विसिल लगाएंगे। ये देखिए हमारी तहरी तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी लग रही है, कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। अपनी तहरी को हम अचार, पापड़, चटनी और सलाद के साथ इसमें सर्व किया है और ऊपर से इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी जो इसके स्वाद को और अच्छा बनाएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर जल्दी ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।